बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मयूरा सौरभ देख रहे हैं स्टोन मीडिया शुरू चैनल। वैसे छात्र छात्रा है जिन्होंने इंटर की परीक्षा पास कर रखी है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक लंबे इंतजार के बाद 11,558 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। शुरुआत में एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बताया गया कि 11,558 है, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, जो इनके जानकार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है, जो रेलवे शुरुआती में जो पोस्ट दिखाती है वो, और परीक्षा फॉर्म भरते भरते एग्जाम लेते लेते तक वैकेंसीज यानी जो सीटों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। तो जो 11,558 पोस्ट जिसके बारे में अखबार में भी मेंशन किया गया है, आप देखें तो ऑफिशियल नोटिस भी आई है, कहा जा रहा है कि ये 11,558 है, ये 30,000 के आसपास पोस्टों की संख्या जा सकती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन छात्र छात्राएं इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक के आवेदन होगा, एग्जाम कितने देने होंगे, तमाम स्टूडेंट एज क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। आप अंतिम क्षण तक बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये एनटीपीसी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें देखिएगा तो ऊपर के तरफ जो दिया गया है ये वाला पोर्शन जो है ये ग्रेजुएट लेवल का है, यानी वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। उसके बाद से वैसे स्टूडेंट जो आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट है, प्लस टू की परीक्षा पास की है, वो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें आईटीआई या डिप्लोमा वगैरह की जरूरी नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हैं। वहीं नीचे इंटर आपने किसी भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। एक बात यह भी है कि सर मेरा तो इंटर भी है और ग्रेजुएशन भी है, तो क्या हम दोनों पोस्ट को भर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, आप दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो इनिशियल अभी पोस्ट यहाँ पर 8113 यानी 8113 है और इस पोस्ट की संख्या बढ़ भी सकती है। देखिएगा तो फॉर्म भरने का जो डेट है, ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है ऊपर वाली, इसमें देखिएगा तो 14 तारीख से तमाम स्टूडेंट 14 सितंबर से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और 13 अक्टूबर लगभग एक महीने तक इसका लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने के लिए लगभग एक महीने का डेट है। आप देख पा रहे हैं 14 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। हम बताएंगे फॉर्म किस तरीके से भरना है जब लिंक एक्टिवेट होगा तो। और ये जॉब दिखेगा तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। और यहाँ पर दिखेगा तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी पोस्ट की संख्या दिखेगा तो 1736 है। ग्रेजुएशन लेवल बीए बीएससी बीकॉम किसी भी आप स्ट्रीम से किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 6 लेवल की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। शुरुआती सैलरी 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का मिलेगा और एज दिखेगा तो 18 साल से लेकर के 36 साल, यानी आपका मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 36 होना चाहिए। और नीचे देखिएगा तो अपर एज लिमिट इंक्लूड्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द, देख पा रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन, जो भी यहाँ पर दिया गया है नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको 3 साल का जो है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी 36 जो है ना ये 39 मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम एज 39 भी है, फिर भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। स्टेशन मास्टर के लिए देखिएगा तो इसका 994 है, आप इसमें देख सकते हैं। इसका भी जो है एज लिमिट बिल्कुल सेमी है। आप देख पा रहे हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए आप देख पा रहे हैं 29,200 इसका स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी एज सेम है 3100। आप देख पा रहे हैं 44 पोस्ट इसमें है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, देखिए जिसमें टाइपिस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें 2 एग्जाम है, पहला CBT 1, दूसरा CBT 2। CBT 1 मनली क्वालिफाइंग मार्क्स से क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। मेरिट जो बनेगा वह CBT 2 जो एग्जाम होगा उस बेस पर मेरिट बनेगा। तो जहां पर भी ये देख पा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी, टाइपिंग स्पीड भी आपका जो है कि चेक किया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे इसकी सैलरी 29,200 है। C2 लेवल की जो है कि मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसका एज देखिएगा तो इसमें भी एज सब में सेम है और इसका 1507 है, देख पा रहे हैं पोस्ट। उसके बाद से देख पा रहे हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देख पा रहे हैं इसमें भी जो है कि देखिएगा तो 732 पोस्ट है, सैलरी के बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पोस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे, उसके लिए फॉर्म भरने का जो शुरुआती डेट है वह 14 तारीख है। अब नीचे देखिएगा तो ये अंडर ग्रेजुएट इंटर लेवल का है।
इंटर लेवल का दिखेगा तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स कलर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर्क कम टाइपिस्ट, और देख पा रहे हैं ट्रेंस कलर्क के बारे में अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पर चीजें मेंशन है। दिखेगा तो इनिशियल जो पे है सैलरी के बारे में यहाँ पर मेंशन है, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। थ्री लेवल की वैकेंसी है, ऊपर एक आप देख पा, उसके बाद से नीचे जो है कि वो टू लेवल की वैकेंसी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख पा रहे हैं B2, C2, C2 और नीचे A3। ट्रेंस कलर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 यहाँ पर मेंशन है। और एज के बारे में देखिएगा तो इसमें 18 से 33 इसमें है, 3 साल का इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। और SC, ST और OBC के लिए कहा जा रहा है कि उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो लगभग मीन्स 36, 37, 38 तक वो एज रिलैक्सेशन वाला जो है वो पहुंच जाएगा। और इसमें दिखेगा तो अलग अलग पोस्ट दिखेगा इंटर लेवल में, तो 2022 पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर्स के लिए, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के लिए 361 है, बाकी आप देख पाए 990 है, 72 पोस्ट है यहाँ पर। आप तमाम स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्म भरने के लिए जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे तमाम स्टूडेंट, आपको जो कि यहाँ पर अलग अलग है, आप अपने हिसाब से आप देख पा रहे RRB जो है कि आप देख पा रहे अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, आप देख पा रहे जहाँ से भी आपको फॉर्म भरना है और वो आप उसका सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरते समय और फॉर्म को सबमिट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिएगा तो फी के बारे में कहा जा रहा है कि फॉर ऑल कैंडिडेट, आप देख पा रहे हैं जो फी है यदि हम SC ST को छोड़ दे और PWD को छोड़ दे तो वो 500 रुपया है फॉर्म भरने का चांस, लेकिन 500 रुपया फॉर्म भरिएगा। और CBT 1 देख पा रहे हैं, CBT 1 एक एग्जाम और दूसरा एग्जाम CBT 2, तो यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं और CBT 1 एग्जाम में आप अपियर होते हैं, बैठते हैं, एग्जाम देकर के आइएगा, तो आपको 400 रुपया जो है कि वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। 100 रुपया रख लिया जाएगा, 400 रुपया आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और नीचे देखिएगा तो SC ST एक सर्विसमैन, PWD और फीमेल में देखिएगा, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है और माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इतने कास्ट कैटेगरी के बारे में दिया गया है। और फीमेल में किसी भी कास्ट कैटेगरी से हो, जनरल से भी हो, फिर भी आपके लिए जो चार्जेस है वो 250 रुपये है। और जब आप एग्जाम दीजिएगा CBT 1 का एग्जाम दे करके आइएगा तो आपका 250 रुपया जो फॉर्म चार्ज आपसे लिया जाएगा वो आपके अकाउंट में जो है कि वह रिफंड कर दिया जाएगा। अब कौन अकाउंट में आएगा रिफंड, ये कैसे पता चलेगा, तो फॉर्म भरते वक्त जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उसी अकाउंट में ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा डीम हो गया, वहाँ यहाँ पर कहा जा रहा है कि CBT 1 में जो स्टूडेंट अपियर होंगे उन्हीं का पैसा जो है कि वह रिफंड किया जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो आप लोग यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप यदि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप नीचे वाले इंटर वाला पोस्ट भी आप उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाला पोस्ट उसके लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी रहा बात सिलेबस वगैरह सिलेक्शन प्रक्रिया वगैरह, मैम इंस्टीट्यूट आप लोग चैनल से अपडेट रहिए, ये शॉर्ट नोटिस आई है, डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी जब आएगी फॉर्म भरते वक्त तो हम आपको डिटेल्स में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।